ECAT Mathematics F.Sc Chapter Number 9 Fundamental Trigonometry. इसमें हम जिन टॉपिक्स को आज डिस्कवर करेंगे वो हैं ट्रिग्नोमेट्री और सिस्टम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स. अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें कि हम जो स्टडी करते हैं वो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स के हवाले से करते हैं, उसके एंगल्स, ट्राइंगल्स की साइड्स, इनको मेजर करते हैं. जबकि जो हमारे पास एंगल्स हैं, जो कि रोटेशंस को कहा जाता है, ठीक है, इनकी मेजर्स को हम जो कि डिग्रीज में और रेडियंस में करते हैं, और फिर इसमें ये कि इनको कैसे और एक्यूरेट किया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे. तो पहला एमसीक्यू देखते हैं जी हम, जो है हमारे पास के बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज. यहाँ पर अगर आप देखें तो एंगल, जो कि हम जानते हैं कि एक रोटेशन का नाम है, जिसमें के दो आर्म्स होते हैं एंगल के, ठीक है, एक इनिशियल आर्म, एक फाइनल आर्म, और इनमें जो रोटेशन है इसे हम एंगल कहते हैं. अब चूंकि ये एक रेशियो भी है जिसके के कोई यूनिट्स नहीं है, ठीक है, तो अगर आप देखें तो डिग्री एक यूनिट है, सेकंड भी एक यूनिट है, मिनट भी एक यूनिट है, लेकिन रेडियन जो है वो कोई हमारे पास यूनिट नहीं है. ये एक सिंपल नंबर है, यानी ये एक रेशियो है, ठीक है. तो हम यूं कहेंगे कि ये इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, रेडियन है. जो कि हमने पढ़ रखा है कि किसी भी सर्कल की अगर हम बात करें जिसका एक खास रेडियस अगर हम बना लें, इस तरह से चलें, मैं एक बात कर लेता हूं कि ये एक रेडियस है हमारे पास, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें जितना ये बॉडी ने सर्कुलर डिस्टेंस कवर किया है, जिसे हम आर्क लेंथ कहते हैं एल, इसको अगर इसी सर्कल के रेडियस से डिवाइड कर दिया जाए तो ये रेशियो आ जाती है इन दो जो लेंथ्स हैं, ठीक है, इनकी, इसको कि हम एंगल कह देते हैं रेडियंस में, जो कि एग्जैक्ट उस वक्त वन हो जाती है जब आर्क लेंथ इतनी ही हो जाए जितने का रेडियस है. फर्ज करें यहाँ तक अगर एक बॉडी ए से बी पॉइंट तक आ जाती है तो उसका रेडियस आर्क लेंथ के बराबर, यानी आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाते हैं, और इस केस में ये रेशियो वन आ जाती है, तो हम कहते हैं ये वन रेडियन है, ठीक है. तो इसी के से ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसका हमने आंसर जो है वो समझा. अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं कि वो हमसे क्या डिमांड करता है. अब अगर हम इस एमसीक्यू को देखें तो हमसे पूछा जा रहा है कि वन डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियंस. हमने ये बात समझ रखी है कि टू पाई अगर रेडियंस हों तो एग्जैक्ट किसके इक्वल होते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन के, जो कि 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है. ये ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं ये रिलेशन, ठीक है. अब यहां से अगर हम सिंपल वन रेडियन की बात करते हैं, सॉरी वन डिग्री की बात करते हैं, तो मुझे 360 से दोनों साइड पे इस इक्वालिटी को जो डिवाइड करना होगा, ठीक है. यहां से 360 कैंसिल हो जाएगा 360 से, ये मैं सिंबल भी यहां से रिमूव कर देता हूं, डिग्री का गलत लग गया हमसे. तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वन डिग्री, ठीक है, ये वन डिग्री आ जाएगा. जबकि ये देखें यहां पर पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू कह रहा हूं, ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 360 से, तो हमारा आंसर इन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको अगर हम देखें तो हमें एकदम से पता चलता है कि ये अगर 3.14 से मल्टीप्लाई तो 6.28 बनता है. विदाउट कैलकुलेटर हम इसे कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, जबकि 3.6 × 10^2 ये साइंटिफिक फॉर्म बन जाती है 360 की, ठीक है. अब इस नंबर को अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, जबकि 6.28 को अगर 3.6 से डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर 2 से लेस आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये तो 3.6 है, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 2 से लेस है, ठीक है. या आप यूं समझ लें कि 3 2s are 6 होते हैं, अगर आप चले यूं समझ लें, चूंकि मैं 3 स्क्वायर की शायद बात कर गया, लेकिन अगर हम 3.6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 7.2, ठीक है, 7.2, तो ये लेस देन 7.2, इसका मतलब हमारा आंसर 2 से लेस आएगा लेकिन 1 से ग्रेटर आएगा. इसलिए इनमें से अगर आप देखें सब नंबर्स में जो
ये डिजिट्स लिखे हुए हैं जिस तरह 17 नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये 1745, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर 1.745 आएगा, ठीक है। और 10 पावर क्या आएगी, -2। अब -2 का मतलब है कि हम इस पॉइंट को 2 डिजिट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे, तो ये 0. एक डिजिट तो 1 लिखा हुआ, एक 0 पुट कर लेंगे, 01745। तो ये देखें, ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें ये ऑप्शन अगर होता तो इसमें 10 की पावर -1 आती, जो कि इस हिसाब से एक गलत आंसर बन रहा है। इस तरह डी ऑप्शन भी रॉन्ग है और सी ऑप्शन भी, फिर ये एक रॉन्ग आंसर बन जाता है जी। एक नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी, के थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न इन 20 मिनट्स। अब ये ऑप्शंस तो हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हमने देखना है कि 20 मिनट्स में जो है वो घड़ी कितने रेडियंस जो है वो एंगल जो है वो बना लेगी। अब अगर हम एक क्लॉक बनाते हैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए, ठीक है, फर्ज करें, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 12 है लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता है, यहाँ 6 और यहाँ 9, यानी एक पूरा जो सर्कल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। हम जानते हैं कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री की होती है, जिनमें ये एंगल 90 का है, हर क्वार्टर में एंगल 90 का आ रहा है। और अगर डिजिट्स देखें, 3 के बाद 4 एक वक्फे के बाद है, फिर 5 उतने ही डिफरेंस के बाद, फिर 6, तो इसका मतलब कि अगर 4 यानी एक जो बड़ी सुई अगर 4 पे हो, ठीक है, और उसने मूव होना शुरू किया था 12 से, तो ये 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। और अगर हर क्वार्टर में देखें तो 90 एंगल बन रहा है और उसके 3 इक्वल पार्ट बने, यानी 1, 2, 3, इसका मतलब हर 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, जो घड़ी की सुई बनाएगी अपनी प्रीवियस पोजीशन से, ठीक है। तो इसका मतलब 20 मिनट में उसने कितने डिग्री एंगल बना लिया होगा, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 से, तो ये हमारे पास कितनी डिग्रीज बन रहे हैं, 120 डिग्री। तो हमने डिग्री में तो जवाब ले आए हम, अब देखिए लेकिन हमें पूछा ये जा रहा है कि रेडियंस में कितना एंगल होगा, ठीक है। अभी बात हम जानते हैं कि 2π अगर रेडियंस हो, ठीक है, तो ये कितने डिग्रीज के इक्वल होते हैं, ये 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब 360 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास कितने मतलब डिग्री बन जाएंगे, ये अगर आप देखें तो 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 0 × 0, यानी 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2π/3, जो कि डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से बाकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि जो एंगल एक्चुअल बन रहा है वो 120 डिग्री बन रहा है, जो कि एग्जैक्ट 2π/3 रेडियंस के ही बराबर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जी के 60 मिनट्स इज इक्वल टू डैश, यानी इन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो क्या 1 सेकंड के बराबर है, ये जो हमारे पास साइन है ये सेकंड्स का है, ठीक है, या 60 सेकंड्स के बराबर है, या 3600 सेकंड्स के बराबर है, या फिर 600 सेकंड्स के बराबर है, ठीक है। अब हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है जी 60 मिनट के, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि 1 डिग्री लिखा हो, ठीक है। फिर हम ये बात जानते हैं कि 1 मिनट जो है वो इक्वल टू होता है 60 सेकंड के, ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं कि मिनट्स को सेकंड्स में ले आए, किस्सा ला सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 times of 1 minute, ठीक है, और 60 times of 1 minute जो है वो कितने सेकंड्स के बराबर है, 60 सेकंड्स के बराबर है, ठीक है। तो 60 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें, यानी 6 6 times 36 और 0 यहाँ पर 2 आ जाएंगे और ये सेकंड्स, तो ये 3600 सेकंड्स बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। इसलिए आप कहेंगे कि ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, और बाकी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे जी, वो रॉन्ग हो जाएंगे, जो कि इन रिलेशन के हवाले से देखा जाए तो इनमें से बाकी ए बी और डी में से कोई भी ऑप्शन नहीं बनता। अब अगर हम इस एमसीक्यू को देखें तो इसमें जो हमें एंगल गिवन है वो रेडियंस में है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि रेडियंस एक रेशियो का नाम है
जिसके कोई यूनिट नहीं होते, ठीक है। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि 7π/12 कितने डिग्रीज के इक्वल है, ठीक है। तो इसका आप आंसर हम कैसे कर सकते हैं, ये हम जानते हैं कि 2π रेडियंस जो हैं वो इक्वल होते हैं 360 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, फिर यहाँ पर चले मैं 1 RAD लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म रेडियन की, कि मैं 2π से दो तरफ डिवाइड करूँगा, यानी 360 डिग्री को 2π से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 7π/12, ठीक है, 7π/12 टाइम्स 1 रेडियन, तो ये इक्वल टू 7π/12 रेडियंस बनता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 7π/12 और 1 रेडियन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री ओवर 2π। चले अगर इनकी वैल्यूज को यहाँ पर दर्ज किया जाए कि ये 360 डिग्री ओवर 2π है, ठीक है, तो देखें हमारे पास यहाँ से जो पाई है ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल से 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16 और 2 0 टाइम 0, यानी ये 180 आ जाएगा 360 डिवाइड होके। जबकि अगर 6 के टेबल से आप देखें तो 6 2 टाइम होता है 12, और 6 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये बनता है 18, और 6 0 टाइम 0 तो ये 30 आ जाता है, ठीक है। जबकि 2 को 30 से डिवाइड किया जा सकता है, 15 2 टाइम 30 होता है। तो देखें 15 डिग्री जब 7 से मल्टीप्लाई होगा, या 7 टाइम्स 15 डिग्री को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास जवाब आता है 105 डिग्री, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, और ये बाकी ऑप्शंस उस लिहाज से जो कि अंडर दिस इंफॉर्मेशन ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, ये रॉन्ग हो जाएंगे। एक और एमसीक्यू देखते हैं जी, इसमें है कि कन्वर्ट 13π/20 रेडियंस टू डिग्री मेयर। यहाँ पे हम सेक्साडेसिमल सिस्टम जो कि डिग्री मिनट सेकंड्स वाला सिस्टम है, इसमें इस जो एंगल की मेयरमेंट है इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये बात हम जानते हैं कि जो इसमें ऑप्शन अवेलेबल है हमें, ठीक है, चले मैं कुछ ऑप्शंस आपसे शेयर करता हूँ कि इसमें हो सकता है कि एक ऑप्शन जो हो हमारे पास वो 19 डिग्री हो, ठीक है, बी ऑप्शन हो सकता है कि 19 डिग्री एंड 30 मिनट्स हो, ठीक है, सी ऑप्शन हो सकता है कि 19 डिग्री और 40 मिनट्स हो, ठीक है, और डी ऑप्शन हो सकता है कि 20 डिग्री हो, ठीक है। अब ये ऑप्शंस हमने क्यों इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए, इसको भी हम समझते हैं जी। देखें जैसे हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे 13π/20 रेडियंस को, ठीक है, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन कहूँ तो ये एग्जैक्ट 13π/20 रेडियन बनता है, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं कि 2π रेडियंस जो हैं वो इक्वल होते हैं 360 डिग्री के, ठीक है, और यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर हम 2π से डिवाइड कर दें, ठीक है, यहाँ भी और दूसरी साइड भी इक्वालिटी के, तो हमारे पास ये 1 रेडियन जो कि 360/2π के इक्वल आता है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, 13π/20 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री ओवर 2π, ठीक है जी। अब देखें यहाँ से जो पाए है इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा, 0 से आप 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब 2 के टेबल से 2 18 टाइम जो है वो 36 होता है, जबकि फिर 2 9 टाइम जो है वो हमारे पास कितना होता है जी, 18 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका जवाब आ रहा है वो हमारे पास कितना बनता है जी, 9 × 13, ठीक है, 9 × 13। तो चलें अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारे पास कितना आंसर बनता है। यहाँ पर हम बल्कि एक करेक्शन भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन में चूंकि 120 था, ये रॉन्ग दिखा गया था, मैंने 20 लिख दिया था, चूंकि ये ऑप्शन भी मैच नहीं करेंगे। यहाँ पे वैसे भी अगर हम देखें तो 9 × 13 ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं करता, ठीक है, ये 120 है। तो इस कैलकुलेशन को हम यहाँ से फिर दोबारा कर लेते हैं, रिकाउंट कर लेते हैं,
ये ताकि हम इन ऑप्शंस तक पहुंच सकें, ठीक है, इसे भी चलें जी। अब देखें इसमें जैसे कि मैंने भी बताया कि ये 13 पाई ओवर 120 लिखा हुआ था, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी मुझसे, अब ये 360 ओवर 2 पाई, ये 1 रेडियन की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें 120 यानी या यूं भी कर सकते हैं कि 0 0 से कैंसिल कर लें और 12 1 टाइम 12 12 3 टाइम 36 होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये पाई पाई से कैंसिल, 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 39 बनता है, 39 ओवर 2, जो कि 19.5 आंसर आता है डिग्रीज में। लेकिन चूंकि अब हमारा आंसर एग्जैक्ट 19 नहीं है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ए को हम कहेंगे कि ये इससे निकल गया और डी ऑप्शन भी इस मतलब जो पॉसिबल था आंसर उसमें से निकल गया है, ठीक है। अब हम सिर्फ इसको देखते हैं कि 19.5 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल है। ये बात हम जानते हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर लें दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये 1/2 डिग्री का मतलब 0.5 डिग्री, ये कितने मिनट्स के इक्वल होगी जी, ये 30 मिनट्स के इक्वल होगी। तो ये 19 को हम लिख सकते हैं 19 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, तो 0.5 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं अब 30 मिनट्स। तो इस तरीके से फिर ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये एक बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा और हम इसे जो है वो मार्क कर देंगे,